प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस पर वरिष्ठ मंत्रियों अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना की स्थिति निपटने के उपायों पर हुई चर्चा। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच गृह मंत्री अमित शाह रविवार को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ करेंगे बैठक। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। देश में 3,08,993 हुई कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या। देश में 1,35,789 कोरोना के एक्टिव केस। अब तक 1,54,330 कोरोना मरीज ठीक हुए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले, छोटे शहरों में भी बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, हमें इसे रोकना है। कहा, कोरोना अभी और बढ़ेगा, लगातार बरतें सावधानी, हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाने से 70% तक कोरोना से बचा जा सकता है। एक विशेष RT-PCR COVID-19 टेस्ट ड्राइव में पंजाब पुलिस के 17 पुलिसकर्मियों में पाया गया कोरोना पॉजिटिव। ड्राइव में 7,165 रैंडम सैंपल लिए गए थे। पंजाब पुलिस ने लश्कर के आतंकी को किया गिरफ्तार। अपने दो साथियों की गिरफ्तारी के बाद कश्मीर भागने की फिराक में था आतंकी। 18 जून को शिरोमणि अकाली दल पूरे पंजाब में जिला उपायुक्त को सौंपेगा ज्ञापन। गन्ना किसानों का बकाया जारी करने, लॉकडाउन के दौरान बिजली बिल माफ करने, कथित सीड शराब स्कैम के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई किए जाने की है मांग। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा जनसंवाद रैली को करेंगे संबोधित। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, प्रदेश के संतुलित और समान विकास के लिए प्रतिबद्ध है उनकी सरकार। राज्य के उन क्षेत्रों में विकास पर ज्यादा जोर जो अभी तक किसी भी वजह से रहे उपेक्षित। CTU की बसों के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान न जाने से चंडीगढ़ के आसपास के शहरों में परेशानी में हुआ इजाफा। चंडीगढ़ आने जाने वाले यात्री हुए परेशान। 30 जून तक CTU की बसों पर दूसरे राज्यों में जाने आने पर ब्रेक।